छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी प्रदेश आर्थिक प्रकोष्ठ की पहली कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बता दें कि इस आयोजन में 3 सत्र होंगे। इसमें छत्तीसगढ़ की आर्थिक बदहाली पर चर्चा होगी, साथ ही जनता को इस विषय पर जागरूक करने की रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार के किए कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर प्रदेश में चल रही वित्तीय अनियमितताओं पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। आर्थिक मामले को लेकर आज दिन भर का प्रकोष्ठ का बैठक भी है, आर्थिक प्रकोष्ठ का, और राज्य सरकार और राज्य सरकार के 2.5 साल बीत गए, 2.75 साल हो रहे हैं, और जिस प्रकार आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से पूरा छत्तीसगढ़ जो आज दिवालियेपन की ओर है, और आज का ही एक समाचार है, प्रमुखता से छपा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से कितना दिवालियापन में आ गया है, पूरा टोटल बजट का हिस्सा और डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय जिसको कहते हैं, सड़क, पुलिया, स्कूल, अस्पताल जो बनता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10% पैसा खर्च हो रहा है, जबकि हमारे समय 17% से ज़्यादा राशि हम खर्च करते थे। ये दिवालियापन क्यों ले जाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो भूपेश बघेल को जाता है, और पूरा विकास को चौपट कर दिया इस 2.5 साल में, और आने वाला 2 साल 2.5 साल जो है और ख़राब होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से वित्तीय व्यवस्था लड़खड़ा गई है। कर्ज कर्ज और कर्ज, कितना कर्ज लेके आप काम करोगे, मगर वो भी कर्ज लेते हैं, वो भी सारे के सारे जितने भी कर्ज लिया जा रहा है वो सब राजस्व मद के लिए लिया जा रहा है।